वेलकम बैक एवरीवन, लकी वर्ल्ड में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि डीवीआर में हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करें और इसका जो पूरा सेटअप प्रोसेस है वो आज हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करें इसका वीडियो देखिए। तो हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इसका मैं जो कनेक्शन है वो दिखाता हूँ। तो इसका पीछे जो पोर्ट्स है, मैं ये फोर्थ चैनल डीवीआर है, तो ये हो गया पावर इनपुट, जिसमें पावर जो है इसका 12 वोल्ट डीसी पावर है, ये लग जाता है। ये अडाप्टर आपको बॉक्स में मिल जाता है। और इसके बाद आपको एक लैन का पोर्ट मिल जाता है जिससे ये डीवीआर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। उसके बाद आपको दो यूएसबी पोर्ट, एक एचडीएमआई, एक वीजीए, एक ऑडियो इन और एक ऑडियो आउट और चार बीएनसी कनेक्टर मिल जाता है जिस पे आप चार कैमरे लगा सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कनेक्टर लगा लिया है यहाँ पर। तो मैंने एक कैमरा लिया है यहाँ पर डोम, जो सीवी प्लस की तरफ से आता है। तो आपको इस कैमरा को लेना है और इसका जो बीएनसी कनेक्टर है इससे सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरह से ये लॉक हो जाता है। तो ये आपको पावर देना है। तो कैमरा में जो है पावर आ गया है। और उसके बाद हम इसे कनेक्ट करते हैं मॉनिटर से। तो इसका जो वीजीए पोर्ट है, मैंने यहाँ पे एक मॉनिटर लगा दिया है और एक कंट्रोल के लिए माउस। तो ये हमारे पास आ गया है माउस और आपको दिखाते हैं
डिस्प्ले कैसा है? तो ये कुछ आउटपुट है। तो हमारा कैमरा जो है अभी DVR से कनेक्टेड हो रहा है, और इस DVR में जो है अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो कुछ इस तरह से करना होता है CCTV का सेटअप। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए, यहाँ कुछ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मिस हो गया, अगर जानना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।